जनपद उधम सिंह नगर के समीप खटीमा में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सभागार में गन्ना पिराई सत्र 15/23 क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों तथा विभाग के अधिकारियों एवं समिति के चेयरमैन के साथ एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में चर्चा परिचर्चा कर विभाग द्वारा जारी सत्र नीति में सुधार व संशोधन के लिए किसानों ने सुझाव प्राप्त किए। किसानों ने गन्ना सप्लाई में प्रतिवर्ष होने वाली समस्याओं, भुगतान पर्चियों का सुचारू न होना, क्रय केंद्रों पर ट्रांसपोर्टेशन तथा सप्लाई सदस्यों को प्रतिवर्ष दस्तावेज जमा कर नवीनीकरण आदि समस्याओं को प्रमुखता से रखकर सुधार की मांग की। तो सट्टा नीति के बारे में ये था कि पिछले बार जो 85% में थी, तो इस बार उसको बदलने के लिए काश्तकारों की राय बनी। और दूसरा, जो सरकार की तरफ से इस बार नया इन्होंने कह दिया कि आपके एक तो जो सप्लाई सट्टे हैं हर बार रिन्यूल करने के लिए कह दिया इन्होंने, तो उसके लिए काश्तकार कुछ विरोध कर रहे हैं कि हर बार रिन्यूल का नहीं होना चाहिए जब एक बार सप्लाई हो रहा है तो गन्ना, क्योंकि अगर हर बार रिन्यूल होगा तो फिर उनको पेड़ी गन्ने का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा, इसलिए किसानों ने कुछ विरोध भी करा। बाकी मेन दिक्कत जो यहाँ पे काश्तकारों की ये थी कि पिछली बार जो गन्ना सप्लाई हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टरों की भूमिका के ऊपर। वहीं समिति के कर्मचारियों को पिछले लगभग 5 महीने से कमीशन न मिलने से हो रही दिक्कतों को भी विभाग के अधिकारियों से अवगत कराकर निराकरण की मांग की गई। साथ ही गन्ना विकास के अधिकारियों ने किसान की आपत्ति और सुझावों को प्राप्त कर उच्च स्तर पर प्रोत्साहित करने की बात कही है। आज गन्ना समिति टीमा में जो सट्टा नीति के संबंध में जो आज बैठक समस्त कृषकों के साथ हुई है, उसमें जो पिछले साल की सट्टा नीति थी तो शासन से हम उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे पास एक आदेश आया है जिसमें पिछले साल की सट्टा नीति के संबंध में कुछ सुझाव मांगे। आज हमने खटीमा गन्ना सोसाइटी में बैठक कर माननीय चेयरमैन साहब और बोर्ड के और कृषकगणों के साथ में एक बैठक संपन्न की है और उसमें अनेक सुझाव संशोधन करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड के लिए खटीमा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।